लेकिन आखिरी के 25 मिनट में आपकी कमाई कहां हो सकती है, जान लेते हैं फाइनल बेट में। बताइए रजत, कौन सा शेयर है? बिल्कुल ग्रेविटा इंडिया, जिसमें मैं समझता हूँ कि अच्छी तेजी बन सकती है और ग्रेविटा यहाँ से चलने को तैयार है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे देखिए और अगस्त से अब तक काफी एक नैरो रेंज में एक बिल्कुल कंसोलिडेटेड मूव इस स्टॉक ने दिए, लेकिन अब अगर ब्रेकआउट हुआ तो काफी स्ट्रॉन्गली मोमेंटम में ग्रेविटा आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि नॉन फेरस मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पे यहाँ पर कंपनी कामकाज करती है और दूसरा लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट के लिए टंकी सॉल्यूशंस देती है। हाल फिलहाल में कंपनी ने पेट रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पर एक नया प्लांट भी लगाया है, उसका भी आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी और क्वार्टर वन के रिजल्ट शानदार थे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे देखें तो 42% ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मुनाफा देखने को मिला बढ़ता हुआ, 87% बॉटम लाइन ग्रो होती हुई नजर आई, तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट क्वार्टर वन में थे और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन 28-29 की रेंज पे यहाँ पर कर चुका है। इमीडिएटली टारगेट्स इस महीने के हाई तक 32-32.5 तक के देखने को मिल सकते हैं, उनके ऊपर टिका तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया रजत, आपका डे हाई पर आ चुका है ग्रेविटा इंडिया का शेयर, 4.5-5% के गेन्स लेकर अच्छी इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर 31-25 के लेवल पर ट्रेड करेगा। अच्छा मूव ग्रेविटा इंडिया के शेयर में भी आता हुआ दिखा है। सुमित, दो प्रेफरेंसेस आपकी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे व्यूअर्स को कल के लिए या फिर इस वीक के लिए? दीपाली, ओरो फार्मा स्टॉक अच्छा लग रहा है, हमने ओरो फार्मा को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि आज ये 799-800 के ऊपर इसने क्लोजिंग देने में ही लग रहा है क्लोजिंग दे पाएगा और पिछले 4-5 दिन का हाई इसने निकाला है। ये देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि ओरो फार्मा इमीडिएटली 820 का पहला टारगेट और उसके बाद 840, ये दो टारगेट के लिए ओपन हो चुका है, तो 2-4 दिनों के लिए ये कॉल रहेगा ओरो फार्मा का। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, 7-8 रुपए का अगर प्रेजेंट लेवल से करेक्शन मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस और 820-840 का टारगेट ओरो फार्मा के अंदर। आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस में ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल से 70-80 रुपए का मूव हमको 4-5 दिनों में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है और लास्ट 2 दिनों में हमने देखा है कि इन्फोसिस ने एक अच्छा मूव दिखाया है, आज भी इन्फोसिस एक अच्छा मूव दिखा रहा है। प्रेजेंट लेवल पे इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं, प्रेजेंट लेवल से इन्फोसिस अगर 10 रुपए गिरता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस 30 रुपए नीचे रखना है, 1020 के आसपास और ऊपर में टारगेट 80-100 रुपए ऊपर का हम मान के चल सकते हैं, 1120-1150 का। निफ्टी भले ही साइडवेज हो, आई मीन ठीक है 30 अंक ऊपर है, बता आई मीन ये ट्रेजेक्ट्री अभी भी साइडवेज वाली है, लेकिन आज रीगेन अगर किसी स्टॉक ने विद इन द बास्केट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स अपने लॉस्ट ग्राउंड को फिर से अगर रीगेन किया है तो याद रखिए वो है इंडसइंड बैंक। राजेश जी, एक बार फिर से 1200 रुपये से ऊपर की चैनल में आ चुका है, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई थिंक एज ए ट्रेडर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इसमें। क्या चेज करूँ इस स्टॉक को इस प्राइस पे? वीरेन, मुझे लगता है कि इंडसइंड में थोड़ा सा एक देखिए मोमेंटम, आप प्योर BTST सोच रहे हैं तो यस यू कैन गो लॉन्ग। BTST के एंगल से अगर देखो तो इसका जो टारगेट रहेगा तो मैक्स रहेगा 1220-1225 तक का, बट एट द सेम टाइम अब अगर इसको आप वीकली चार्ट पर देखो तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो मुझे लगता है कि इंडसइंड में एक करेक्शन बाकी है और ऑन ए पोजिशनल बेसिस मुझे लगता है इंडसइंड अवॉइड करना चाहिए, बट यस सिंस द मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग गेट गोइंग काइंड ऑफ अ मार्केट है तो डेफिनेटली इंडसइंड यू कैन गो लॉन्ग बट प्योरली ऑन ए BTST बेसिस। वोल्टास को देखिए, ये स्टॉक भी अब 393 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है और डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 4% के गेंस के साथ, एकाएक स्पाइक स्टॉक में आया और अब 13.5 रुपए की मजबूती स्टॉक में देखी जा रही है और अब अक्टूबर के दौरान नवंबर के दौरान ये स्टॉक्स जो हैं वो वैसे भी लाइमलाइट में रहेंगे फेस्टिव सीजन की वजह से। ये जो स्पाइक अभी दिख रहा है राजेश, इसे देखने के बाद क्या कुछ टेक्निकल चेंज हुए हैं, कोई ट्रेड या फिर ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ हो उनको क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? देखिए अगर ट्रेड इनिशिएट किया है तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन करना ज़्यादा बेहतर होगा। अपसाइड में मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा जो इसका रिसेंट हाई था दैट इज 400, तो 400 के ऊपर इमीडिएट जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। एज फार एज द कैपिटल गुड्स सेक्टर इज कंसर्न, उसमें जैसे मैंने कहा कि मुझे भेल में ज़्यादा अच्छा एक बेटर कम्फर्ट आता है भेल में, मुझे लगता है 145-147 का एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिखता है, 10 रुपये का मूव यहाँ पे भेल में आना चाहिए। लेकिन वोल्टास में मुझे लगता है सिंस बींग चॉप एंड बींग आई बीटा मुझे लगता है कि इसे चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर मी। सुमित, इस बीच एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जिनमें जैसे मैंने जिक्र करता था, मैं इंडसइंड बैंक का, मैं निफ्टी में ही ICICI बैंक इसके साथ एक इशू था कि खबर थी, लेकिन हमें आप एक स्टॉक देखिए अरविंदो फार्मा, शायद इसके बारे में बात नहीं हुई, बाकी सिप्ला के बारे में बात हुई थी, ग्लेनमार्क के बारे में बात हुई थी,
और विंडो फार्मा शायद एक मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहा है, और ये पेशेंस अगर आप देखें ऑलमोस्ट मई से टेस्ट कर रहा है, लेकिन इस बार और स्पेशली मैं एक चीज़ जो अभी चार्ट पे देख रहा हूँ वो है वॉल्यूम्स को देखने के बाद पूरे सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त और इस पूरे अगर आप देखें सितंबर में कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको, और ऐसे डिफरेंस के साथ ये 810 की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है वरिंदर, इसके लिए हमने ये ओरो फार्मा का कॉल भी दिया हुआ है, हमने अगले 2 से 4 दिनों के लिए ओरो फार्मा ही बाई दिया हुआ है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि 800 के ऊपर जो इसने ब्रेक किया है वो एक अच्छा मूव है, और बहुत दिनों के बाद ओरो फार्मा में ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इमीडिएटली 820 का पहला पड़ाव है, और 820 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये 840 के लेवल तक जाएगा, इसीलिए हमने इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए इसी मूव को देखते हुए बाय कॉल दिया हुआ है। आई थिंक 780 के स्टॉप लॉस से बाय बनता है 840 के टारगेट के लिए। जी, हम सीमेंट की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन राजेश, क्या इंडिया सीमेंट में नए ट्रेड की गुंजाइश आप देख रहे हैं? इस पूरी सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग मूवर, कंसिस्टेंट मूवर ये स्टॉक रहा है, अभी भी 1.5% ऊपर आ रहा है, क्या कल के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है शेयर में? देखिए, मुझे लगता है इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर में अगर आप इंडिया सीमेंट देखें, अंबुजा सीमेंट देखें, ECC भी देखें, तो यहाँ पे एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है। सो निगेटिव डाइवर्जेंस में आपको लॉन्ग लिक्विडेशन करना बेटर होता है, दैट इज़ व्हाट द टेक्निकल इज सेइंग। तो डेफिनेटली मैं यही टेक्निकली कहूँगा कि अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट में निगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ रैली और दिस इज़ अ पुल बैक वेर यू नीड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजिशन रादर देन क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो निगेटिव डाइवर्जेंस का जो टारगेट बनता है दैट इज़ समवेयर नियर 128, तो मुझे लगता है कि अगर 152 के आसपास इंडिया सीमेंट लिक्विडेट करे तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि एक बार के लिए 128-130 तक जा सकता है। सेम विद अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट भी का अंबुजा का टारगेट जो है वो रफली है 230-228 का, सो इट्स अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। एक बार आप एक और स्टॉक को देखिए, और आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, वायदा कारोबार का हिस्सा भी है। राजेश, आपसे पूछूंगा NCC, थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन मैं आई थिंक थोड़ा विषय को चेंज करता हूँ, पहले BTST रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो रेट्स जो कि आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त साक्षी मौजूद हैं, साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेन, शुरुआत करते हैं मनोज सचदेवा की तरफ से जो कॉल्स आई हैं। सबसे पहले पिक इनकी सेंचुरी टेक्सटाइल पर है, जहां पर BTST ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। खरीदारी के लिए जो टारगेट्स रेकमेंड किए 915 के हैं, स्टॉप लॉस हमें 890 का मेंटेन करना होगा। इनकी तरफ से जो दूसरी पिक आई है वो है ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड पर, खरीदारी की सलाह इनकी है, टारगेट्स बताए 87.50 के, स्टॉप लॉस हमें 83 का मेंटेन करना होगा। दूसरी पिक से AK प्रभाकर की तरफ से और सेंचुरी प्लाई पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट्स खरीदारी के लिए बताएं 247 के, स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा यहाँ पर 232 का। साथ ही पेट्रोनेट LNG पर भी ये बुलिश है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट्स बताएं 343 के और स्टॉप लॉस हम नीचे में 335 के मेंटेन कर सकते हैं। आखिर में जो कॉल्स आई हैं रितेश चौकसी की तरफ से आई हैं, इनकी पहली पिक अदानी पोर्ट्स पर है, खरीदारी की सलाह 291 का टारगेट और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 267 का। इनकी आखिरी पिक है बैंकिंग स्पेस से, ICICI बैंक पर ये बुलिश है, खरीदारी के लिए जो टारगेट्स बताए हैं वो है 289 के, स्टॉप लॉस हमें 264 का मेंटेन करना होगा। थैंक यू साक्षी, तो एक कुछ ट्रेडिंग बेट्स बताए हैं जहां पर आप पोजीशंस कल के लिहाज से इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ट्रेडर्स कॉल, पुष्कराज करंटकर की ओर से जो स्टॉक पिक किया गया वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, ऑलरेडी 7% का मूव लेकर डिहाई पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, 98 के लेवल्स के साथ खरीदारी की जा सकती है, 88 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है शेयर में। दूसरी चॉइस उनकी इंडसइंड बैंक, अगेन डिहाई पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर भी, 1230 के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1186 का स्टॉप लॉस देकर लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह है इंडसइंड बैंक में। और तीसरा स्टॉक है टाइटन का, जहाँ पर 390 के टारगेट्स के साथ ये बाय करने की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट ये कॉल वैलिड नहीं है, माफी चाहेंगे टाइटन के लिए, लेकिन अगर आप भी अपने चुनिंदा स्टॉक्स पर आ लेना चाहते हैं तो अपने स्टॉक का नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए 7840024x0। राजेश, दो ट्रेड्स आपकी ओर से जो आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं कैरी करना चाहूँगा टाटा इलेक्सी को, करंट मार्केट प्राइस 1546-47 और लेवल्स। मुझे लगता है टाटा इलेक्सी में करेक्शन ओवर हो चुका है और यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, तो वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1520। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है टाटा इलेक्सी का जो टारगेट रहेगा वो 1640 का है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज क्वाइट फेवरेबल। जैसे मैंने कहा कि मैम क्वाइट बुलिश ऑन IT पैक, तो सेकंड काउंटर विल बी ऑन विप्रो। नाइस कंसोलिडेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड समवेयर नियर 478-479 level, so we know that this is the level which it is holding, so one can go long here. आपका stop loss जो होना चाहिए वो रखना 470 का, इसका जो pullback target है that is 500-510। जी, थोड़ा सा वायदा कारोबार को भी देख लेते हैं, हालांकि आज देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी थिन थे और थिन वॉल्यूम्स के बीच में, आई मीन इस बड़े इवेंट से पहले थिन वॉल्यूम्स की ही अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन थी, आई मीन 2.38 ट्रिलियन का बैच कारोबार हुआ है। निफ्टी फ्यूचर्स 8832 के क्लस्टर में 7.25 लाख, यू कैन से दैट लॉन्ग्स होल्ड रहे पूरे दिन,
और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आज पुट राइटर्स थे 8650 पे 1,86,87 की पुट में 5.25 और 8750 की पुट में 1.25 और 8800 की पुट में लगभग 7, 8, 9, 14, 15 लाख पुट बिकी हैं। मैंने इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और एक और चीज़ है कि 8900 की कॉल ने अपनी तरफ काफ़ी सब्सटेंशियल ओआई खींचा है लगभग 4 लाख का और 8950 का कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे था। तो आई थिंक अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आशु जो बात करके गए थे ना कि इवेंट तो है लेकिन इवेंट का प्रेशर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो फॉर द टाइमिंग मार्केट्स पे एटलीस्ट झलक नहीं रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन चलते चलते कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से अगर आप देखें उन्हीं स्टॉक्स की श्रेणी में जाऊंगा जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा है जो अपनी तरफ वॉल्यूम्स खींच रहे हैं। इसमें सिंटेक्स 8360 पे है, याद रखिए ये आपके पेशेंस टेस्ट कर रहा है या आपसे अगर आप देखिए वक्त मांगेगा जब आप टायर्ड हो जाएंगे जब बाहर निकल के आ जाएंगे उस दिन ही चलेगा, याद रखिएगा। इसके वॉल्यूम्स देखिए आज मैं इनफैक्ट ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं आजकल के वॉल्यूम्स मैं अगर एक वॉल्यूम से 50 डे का एवरेज डाल लूँ ना तो बीते 10-15 दिन के वॉल्यूम्स जो हैं वो पूरे 2016 के वॉल्यूम्स का ऑलमोस्ट 2 times and 3 times है। राजेश आपके कहेंगे सिंटेक्स पे 8350 पे है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर मेरे पास 500 शेयरों की लेने की कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है तो क्या कम से कम 250-300 एक्यूमेट करने चाहिए यहाँ पर? देखिए अगर आप इसको डेली चार्ट पे भी देखो और इनफैक्ट वीकली पे भी देखो तो इसका एक मल्टीपल टॉप होता है रफली 84 के आसपास, ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो आप इसको। मुझे लगता है 83-84 का एक अहम लेवल रहेगा। अगर सिंटेक्स को यहाँ से चलना है तो वो ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लेवल का इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली इसका टारगेट रहेगा +15 rupees, यानी आप पकड़ के चले ना 85 + 15 रफली 100 rupees के आसपास का टारगेट बनेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि सिंटेक्स का जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है। 84 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है तो इससे बाय ऑन डिप करेक्शन में मिले तो डेफिनेटली बाय करें। 80-81 का जो लेवल रहेगा दैट विल बी एन आइडियल लेवल। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा ऑन अ पोजिशनल ग्राउंड मुझे लगता है 77-78 के आसपास मेंटेन करिए। ब्रेकआउट का लेवल रहेगा 84 का, 84 के ऊपर यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, आपका टारगेट रहेगा 100 रुपए का। जी डेहाई पर अभी ट्रेड कर रहा है भारत फोर्ज का शेयर, अब करीब 3.25% की बढ़त लेकर 905 के लेवल्स पर यह स्टॉक आ चुका है। 900 के लेवल को पार किया है स्टॉक ने और हमने देखा भी है कि अगस्त के शुरुआत से ही पूरी अगस्त सीरीज में स्टॉक में स्ट्रेंथ रही थी और करंट सीरीज में भी एक अच्छा रुझान दिखा है। अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है 906 के लेवल्स पर। नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं सुमित भारत फोर्ज में? 910 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा दीपाली ये तो ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जिसके अंदर 960 से 980 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए 910 के ऊपर ब्रेकआउट जरूरी है और विद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए और क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए। अगर इसने 910 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर इसके अंदर एक फ्रेश लॉन्ग की सलाह बनेगी 880 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट जो हमको देखने को मिलेंगे वो है 970 से 980 और उसके बाद शायद हो सकता है कि 1000 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। तो मेरा इस पे कंडीशनल कॉल रहेगा बाय अबव 910 ऑन क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस 880, टारगेट 970 से 980 तक का। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को देखिए आप करीब करीब 13% ऊपर स्टॉक, इसमें भी जोरदार मूव है। लेकिन एक बात ये थोड़ा सेल को लेकर रहते हैं, मैं इशू बिल्कुल चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सेल 47.15 याद रखिए जब टाटा स्टील भाग रहा था हिंडालको वेदांता सब भाग रहे थे तो ये भी चला, इसने एक ब्रेकआउट दिया 55 को स्ट्राइक किया, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक अगर आप देखें एक सीरियस पुलबैक का कंटेंडर है अब। लेकिन पोस्ट नंबर्स आई मीन Q1 नंबर्स जैसे ही आए उसके बाद फिर से वो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं इस पुलबैक को देखूं जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हुआ था राजेश, तो अभी भी ये जो पुलबैक का चैनल था ना उससे बाहर नहीं आया है। 4720 पे आप रीएंटर कर सॉरी फ्रेश ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे टिल द टाइम ये उस चैनल को वॉलेट ना करे द डाउन साइड जिस चैनल में ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में चला है। वीरेन बट एट द सेम टाइम आप अगर इसका वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट इतना कंफर्टेबल नहीं दिखाता। वीकली चार्ट में अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखो तो क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर हो चुका है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि 53-54 के ऊपर इमीडिएट जाएगा नहीं। अगर आप इसको चैनल भी डाले तो चैनल डालने के बाद आपको समझेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल सिचुएशन हुआ है और इनफैक्ट ऊपर में 50 के ऊपर में एक बुल ट्रैप हो सकता है क्योंकि इसका ब्रेकडाउन जो था
चैनल का, यानी 50 के नीचे सेल में वीकनेस ज़्यादा होगी। और अगर आप देखो ओवरऑल, अगर मेटल सेक्टर देखो तो जिसमें टाटा स्टील या हिंडाल्को या हिंदुस्तान जिंक इतना आउट परफॉर्म करने के बावजूद भी सेल में वो कैचअप रैली आई नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि इसका जो इनहेरिटेंस, जो इसका जो फंडामेंटल जो स्ट्रेंथ है वो इतना है नहीं, इसमें वीकनेस है। तो मुझे पर्टिकुलरली सेल में अगर काम करना है तो मैं खुद तो अवॉइड करूंगा डेफिनेटली। अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं जहां पे स्ट्रेंथ है जैसे कि टाटा स्टील रहेगा या हिंडाल्को, आई विल वेट फॉर द डिप, वेट फॉर द करेक्शन, फिर वहीं पे एंटर करूंगा, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं लगता मुझे। जी, इसमें जुबिलेंट फूड्स का शेयर डेलो पर आ चुका है और अभी भी करीब 3% की वीकनेस देखी जा रही है। इनफैक्ट सुमित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जो आपकी स्ट्रैटेजी है क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, उसमें जुबिलेंट फूड्स को शामिल किया भी है सेल साइड पर। स्टॉक ऑलरेडी डेलो पर आ चुका है, यहाँ से कितना और नीचे जाता आप दिख रहे हैं? यस एब्सोल्युटली दीपाली, हमने जुबिलेंट फूड को सेल साइड में शामिल किया हुआ है और जुबिलेंट फूड हमें एक बार वीक लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साइकोलॉजिकल लेवल 1000 का ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये स्टॉक में 40 से 50 रुपए का वीकनेस देखने को मिलेगा, जो कि ये लोस हमको फेब मार्च में देखने को मिले थे जुबिलेंट फूड के अंदर। तो आई थिंक ये स्टॉक का वीकनेस आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और ये 950 तो इमीडिएटली हमको देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसमें सेल तो बनता ही है, अगर बाई चांस कोई 15-1 रुपए का फुलबैक आता है तो बहुत अच्छा सेल बैठ जाएगा। 1050 फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस है, 1000 के नीचे जैसे लेवल ब्रेक होगा तो हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे 1025 और टारगेट हमारा सेम रहेगा 950। तो 950 के टारगेट्स के लिए इसको सेल किया जा सकता है। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक दो स्टॉक्स और, आई मीन ACC अच्छा मूव रहा आज, उसके बाद अदानी पोर्ट्स एंड SEZ को देखिए। अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ये भी अगर आप देखें आज बड़े क्रिटिकल लेवल पे है और जिस लेवल पे इसकी क्लोजिंग आ रही है, आई मीन ये भी एक स्टॉक होगा देखने लायक, गौर करने लायक होगा कल के लिए। खैर चलिए अब फोकस करते हैं क्लोजिंग पर। निफ्टी ऑलमोस्ट 29 अंक ऊपर 8809 वर्सेज, अगर आप डे हाई देखें तो ये करीब करीब इस वक्त 14 अंक नीचे है एंड वर्सेज डे लो लगभग अगर आप देखें तो करीब 35 अंक ऊपर है। लेकिन आज के सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मेंस को अगर आप देखें जिनमें सबसे ऊपर है इंडसइंड बैंक, जैसे कि मैंने डिस्कशन किया भी था कि लॉस्ट ग्राउंड को फिर से रिगेन किया है इसने, इंडसइंड बैंक हो गया। निफ्टी के अगर आप स्टार प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, इंडसइंड बैंक, TCS, ONGC, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव था। बाकी अगर आप देखें तो SZ एंटरटेनमेंट, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स और NTPC अगर आप देखें इनमें काफ़ी रिसेंट मूव था। और BPCL, औरविंदो फार्मा, ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा विदिन द PSU बास्केट आज काफ़ी ठीक ठाक रहा, हालांकि शुरुआत में काफ़ी तेज था, बाद में अगर आप देखें जो उसकी तेज़ी थी वो थोड़ी सी अगर आप देखें कम हो गई, हायर लेवल से थोड़ा सा गिरा। बाकी अगर आप देखें मिड कैप में आज जिनमें काफ़ी अच्छी खासी प्राइस परफॉर्मेंस थी उसमें आप देखें धरानी शुगर, UB होल्डिंग्स, मैकडोवल होल्डिंग्स, लोटस आई, पेट्रोन इंजीनियरिंग, इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा मिड कैप में आप देखें, ये सिग्नेट को देखिए, आप रशिया लिमिटेड को देखिए और मुंजाल ऑटो को देखिए, इन सभी काउंटर्स में आप देखें काफ़ी ठीक ठाक मूव था। फिर डालमिया भारत, तालब्रोस ऑटो, रिको रिचा इंडस्ट्रीज, माफी जगह नेटको और राजश्री शुगर, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था आज। उसके बाद आप ये देखिए ममाना शुगर, RV डेनिम, टेक्समेको पाइप्स, रेमंड्स अगर आप देखें टेक्सटाइल स्पेस में अगर आप देखें रेमंड्स ने काम अच्छा किया आज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। उसके बाद देखिए टाइम टेक्नो, केम शुगर, लॉर्ड इलेक्ट्रिक और हिकाल अगर आप देखें, इनमें काफ़ी हिकाल अगर आप देखें आज एक मूव दिया गया और आई थिंक ये सोचने में मजबूर करेगा अब आपको कि शायद आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचना अब शुरू कर देना चाहिए। एडिया फूड्स, सिम्हावली शुगर, मार्क्सन्स इन द मिड कैप फार्मा स्पेस, एमको एंड एस्टर इंडस्ट्रीज अगर आप देखें कुछ काम पर जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद एक्सपो इंडिया, ट्यूबलाइट केमिकल्स, PPA ऑटो और आलोक इंडस्ट्रीज, एक छोटा स्टॉक है लेकिन मूव था। और एक यूफ्लेक्स ने आज एक सब्सटेंशियल मूव दिया, एक ये बीते एक महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहा है। चीनी स्पेस को देखिए पूरा का पूरा स्पेस 11, 10, 10, 13, 10% की मूव, तो एक बार फिर से अगर आप देखें आज हरकत नजर आई आज आपको शुगर स्टॉक्स में, केमिकल स्टॉक्स है, मैं क्या कहें कहाँ जाके रुकेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो औसतन लगभग 8 से 9% की स्ट्रेंथ थी यहाँ पर। और उसके बाद देखिए टायर स्पेस, CEAT का तो खैर क्या कहें, 70 रुपये ये स्टॉक ऊपर 1133 पे, शानदार मूव, आई मीन ये पूरी की पूरी सीरीज इसको बिलोंग करती है। जरा टायर पे एक बार फिर से लौटेंगे आप प्लीज़, जरा एक बार CEAT 1133। उसके बाद देखिए आप UB ग्रुप के अगर आप स्टॉक्स को देखें, UB होल्डिंग्स, मैकडोवल होल्डिंग्स, जिक्र मैं पहले भी कर चुका था आज कार्यक्रम के दौरान, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद आप देखिए CEAT 1136, उसके अपोल टायर्स 222, MRF और JK टायर्स आई मीन 150 स्ट्राइक कर चुका है, मीन यानी दो महीने में, डेढ़ महीने में लगभग 50 रुपये का मूव, 9 की पे इसके नंबर्स आए थे। उसके बाद देखिए आप ये लास्ट कैप में एक बार फिर से इंडसइंड बैंक,
₹33 ऊपर 1207 के स्तर पे। अरविंदो फार्मा, जैसे कि हमने कहा था कि ये एक दिलचस्प और एक बहुत शानदार ब्रेकआउट के बेहद नज़दीक है, याद रखिएगा। TCS, आई थिंक इन्फोसिस की खबरों के बीच में TCS का चलना, टेक महिंद्रा का चलना आज थोड़ा सा करा देखिए, एंड इटसेल्फ इन्फोसिस का चलना आज थोड़ा सा इस बात की तरफ रिफ्लेक्शन दे रहा था, इस बात के संकेत दे रहा था कि माइट बी बॉटम इज क्वाइट नियर। उसके बाद देखिए आप बता नहीं पोर्ट्स, जैसे कि मैंने कहा कि आज का एक और ऐसा स्टॉक जिसकी जिस पर कल सुबह नजर रहेगी हमारी कि ये अपने ब्रेकआउट को कल कंफर्म करता है, निकलता है। मार्केट्स शट, मार्केट्स अगर आप देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी 28 अंकों का इजाफा, लेकिन 8808 के स्तर पे निफ्टी बैंक आज सुबह जाके छू लिया एक बार 20,000, लेकिन उसके बाद पूरे दिन अगर आप देखें उस आंकड़े के बिल्कुल आप देखें पीछे बैठा रहा। 9 सितंबर के बाद निफ्टी दोबारा 8800 के पार बंद हुआ है और निफ्टी की मार्केट में लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, लेकिन चलता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन IT, चीनी, केमिकल, टेक्सटाइल, टायर शेयर अगर आप देखें तो आज इस मार्केट की थीम थे, लेकिन गेम तो असली कब से शुरू होगा, कल से। बिल्कुल, US फेड की 2 दिन की बैठक कल से शुरू हुई, कल बैंक ऑफ जापान की भी बैठक है, तो ये 2 क्रूशियल मीटिंग है जिन पर नजर रहेगी। हालांकि कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जो कि सुबह स्टॉक्स 650 में बताए गए थे और ये कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव भी किया है। सुमित, क्लोजिंग कमेंट्स आपके? देखिए क्लोजिंग देखते हैं दीपाली, यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल एक बार तेजी को ही सस्टेन करेगा मार्केट, करेक्शन 8750 के नीचे ही देखने को मिलेगी या फिर पोजिशनली 8700 को ब्रेक करना जरूरी है। इमीडिएट 8850 रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 8900, तो निफ्टी का एक दायरा बना हुआ है। फिलहाल अगर कोई ट्रेड लेना चाहे 8750 के स्टॉप लॉस से बाय, 8850 का टारगेट और शायद 8900 भी देखने को मिल सकता है अगर 8850 ब्रेक हुआ तो। राजेश, आपकी राय क्लोजिंग पर और कल के लिए स्ट्रेटेजी? देखिए मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी है वो बायस है, वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा और यहाँ पे क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा है और क्लोजिंग भी अच्छी मिल रही है 8800 के ऊपर। FII का जो फिगर्स है वो भी कल पॉजिटिव था, फ्राइडे पॉजिटिव था, तो मुझे लगता है द जस्टिस की यहाँ पे फेड की बैठक है, ग्लोबल वोलेटिलिटी है, वो सब पकड़े तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम अगर प्योरली टेक्निकली देखें तो आप एक स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे काम करिए, 8770 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, सामने जो टारगेट बनेगा 8890 का, और अगर 8900 का लेवल भी पार करे तो मे बी फिर एक अलग ही टेरिटरी में मार्केट जाएगा और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। सेम विद द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखिए 19700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 20200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, पहला पड़ाव रहेगा, अगर वो निकाल दे तो डेफिनेटली मोमेंटम और स्ट्रांग होगा। सो द बायस इज पॉजिटिव एंड कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ट्रेड योर पोजीशंस। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंतिम बाजी में तो इतना ही, लेकिन कल शेयर बाजार लाइव और फर्स्ट ट्रेड हमारे साथ देखना मत भूलिएगा, हम ही दोनों होंगे। लेकिन फेड के बैठक का बाजार पे इफेक्ट, फेड फैक्टर, इस पर खास बातचीत, बाजार का इस आई थिंक इवेंट से बहुत बड़ा सरोकार है, नहीं सिर्फ भारतीय बाजारों का नहीं, याद रखिए वॉल स्ट्रीट हो, इटसेल्फ, रेस्ट ऑफ एशिया, यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स। लेकिन कल दिन की शुभ शुरुआत जी बिजनेस के साथ करिए, शेयर लाइव फेड फैक्टर के साथ।